धर्म के नाम जो अधर्म हो रहे हैं उसका शिकार कल आप भी होने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हम लोग सदियों से प्रभु श्री राम का जयंती जन्म उत्सव कब मनाते हैं? रामनवमी के दिन मनाते हैं। इस बार भी रामनवमी 17 अप्रैल को पड़ रहा था। यदि भारतीय जनता पार्टी सचमुच सनातन धर्म में विश्वास रखने वाली पार्टी होती, यदि धार्मिक आस्था पर इसका कुछ भी भरोसा होता, ये सचमुच हिंदुओं का तथाकथित है, ये मैं तथाकथित मानता हूँ, यदि ये वास्तविक रहनुमा होते तो प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के बजाय 17 अप्रैल 2024 को करते, क्योंकि 17 अप्रैल 2024 को प्रभु श्री राम का राम नवमी है, अर्थात उनका जन्मोत्सव है। तो उस दिन से बेहतर कौन सा दिन होता? आज क्या बात है कि शंकराचार्य भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकलापों का विरोध कर रहे हैं? चारों शंकराचार्य, क्या शंकराचार्य से बढ़कर मोदी हो गए हैं देश में? क्या हिंदू आस्था शंकराचार्यों से ज्यादा आज मोदी के प्रति प्रदर्शित होनी चाहिए? ये सोचने की बात है। मैं धार्मिकता में अटूट विश्वास करता हूँ, लेकिन धर्म के नाम होने वाले अधर्म पर मुझे बहुत कष्ट होता है। आज सर्वत्र लूट मची हुई है।